इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जीएस किल्बी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक ने किया था। निम्न में से तेज कौन सा है? सबसे तेज रजिस्टर्ड है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉसली ने ENIAC को बनाया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उपकरण का एक किस्म है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूरा नाम है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी की कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस OCR का पूर्ण रूप है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहाँ पर? RAM में स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी है। RAM किस प्रकार की मेमोरी है? RAM एक मेन मेमोरी है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सेलफोन में कैश स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। मैग्नेटिक सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइसें हैं। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रोप्रोसेसर। DVD का उदाहरण है।
डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित एएलयू परफॉर्म करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। पीसी का पूरा नाम है। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है।